हेलो एंड वेलकम हमारे चैनल स्पाइसी बॉलीवुड में। मैं आज फिर से हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगी दीपिका पादुकोण आके क्यों हो रही है फिर से ट्रॉल, जेएनयू के बाद किस वजह से हुई इस बार ट्रॉल, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक बार फिर विवादों में पड़ गई हैं। इस बार विवाद उनके टिकटॉक वीडियो को लेकर हुआ है। दरअसल फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण ने एक वीडियो बनाया है, उसमें वो फबी मेकअप आर्टिस्ट नामक टिकटॉक पर्सनालिटी से उनकी तीन फिल्मों के लुक को बनाने के लिए कह रही हैं। I want to challenge Fabi with three of my most favorite looks. Okay. The first one is Om Shantiyo. Cool. Okay. Second is Piku. Okay. And the third one is Malti from Chapak. Oh, cool. So let's do it. इसमें फिल्म ओम शांति ओम का लुक, फिल्म पीकू का लुक और हालिया रिलीज फिल्म छपाक का लुक शामिल है। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट इन वीडियो में दीपिका के अलग अलग लुक में नजर आती हैं। इसमें छपाक का लुक भी शामिल है। दीपिका को इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि छपाक का मेकअप करने के लिए वो किसी को कैसे कह सकती हैं, क्योंकि ये एक लड़की के साथ हुआ दर्दनाक हादसा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक ट्रोलर ने लिखा है कि ये बहुत ही खराब और इनसेंसिटिव है, वो क्या सोच कर ऐसा कर रही है। वहीं कुछ लोगों ने लिखा है ये बहुत ही गलत है। फिलहाल दीपिका ने अभी इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय गई थी, तब से वो चर्चा में बनी हुई हैं। गौरतलब है कि जेएनयू में छात्रों के बीच हुए गैंगवार पर दीपिका ने लेफ्ट विंग का समर्थन किया था। इसके चलते दीपिका से राइट विंग के लोग नाराज हो गए थे। फिलहाल बता दें कि दीपिका पादुकोण ही छपाक फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं और इस फिल्म में दीपिका ने लक्ष्मी अग्रवाल नामक एसिड अटैक सर्वाइवर की भूमिका निभाई है। छपाक फिल्म जिसका प्रमोशन जमकर किया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अनुमान के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई। तो मैंने आपको दिखाया दीपिका आखिर क्यों हुई ट्रॉल। तो कल मैं फिर से हाजिर होंगी कुछ और खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मैं फिर आऊंगी।